नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में पूर्णिया सीट की। पूर्णिया से 2019 में कौन बनेगा सांसद। पूर्णिया जिला मुख्यालय भी है। इस क्षेत्र में पवित्र गंगा के अलावा कोसी, महानंदा तथा पनार नदियां बहती है। यहाँ तंबाकू का खूब उत्पादन होता है। यहाँ मोटे रंगीन कपड़े, चटाइयाँ तथा जूट के सामान बनाए जाते हैं। पूर्णिया पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है। नेपाल और बंगाल के करीब बसे इस इलाके से NH 31 गुजरता है, जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और उत्तर भारत को असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा भूटान से जोड़ता है। अब बात करें अगर यहाँ की राजनीति की, तो पूर्णिया लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद है संतोष कुमार कुशवाहा। वे JDU के टिकट पर 2014 में चुनाव जीतकर लोकसभा गए थे। यहाँ 6 लाख SC वोटर हैं। पूर्णिया लोकसभा के अगर पीछे देखते हैं तो 1996 के चुनाव में यहाँ से पप्पू यादव ने सपा के टिकट पर चुनाव जीता, लेकिन 1998 में BJP के जय कृष्ण मंडल चुनाव जीतने में सफल रहे। 1999 में पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फिर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत अजमाई और जीत कर दोबारा संसद पहुंचे। 2004 और 2009 के चुनाव में BJP के उदय सिंह को जीत नसीब हुई। 2014 के चुनाव में ये सीट JDU के खाते में गई और संतोष कुमार कुशवाहा सांसद बने। वहीं अगर बात करें समीकरण की, तो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में वोटर की कुल तादाद है 13,05,396। इनमें से 6,88,182 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 6,17,214 महिला मतदाता हैं। अगर वहीं विधानसभा की बात करें तो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती है। कस्बा, बनमखनी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया और कुरहा। इन 6 सीटों में से 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान दो सीटें BJP, JDU और कांग्रेस ने जीती थी। 2014 का चुनाव BJP और JDU ने अलग अलग लड़ा था। पूर्णिया सीट से JDU के संतोष कुमार कुशवाहा ने BJP के उदय सिंह को मात दी थी। संतोष कुमार को 4,18,826 वोट मिले, जबकि BJP के उम्मीदवार उदय सिंह को 3,21,057 वोट। कांग्रेस के अमरनाथ तिवारी को, जो कि यहाँ तीसरे नंबर पर रहे, उनको 1,24,344 वोट हासिल हुए। वहीं इस बार के चुनाव में 2019 की बात करें तो पूर्णिया में 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। संतोष कुशवाहा JDU, जो कि NDA से हैं। वहीं उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। पप्पू सिंह इससे पहले का चुनाव BJP की तरफ से लड़ते थे, जो कि इस बार महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि 2019 में कौन फिर से यहाँ का सांसद चुना जाता है और किसको जनता यहाँ का दोबारा सांसद बनाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।